ओके तो हेलो एवरीवन, अभी लर्निंग मार्केट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो आज के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे नेस्टेक के प्रिडिक्शन के बारे में एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कि कल कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, एवरी डे पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि एवरी डे आप वीडियो डालिए, तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स कि एवरी डे में वीडियो। हाँ, 2 दिन 3 दिन में वीडियो जरूर मैं डालता रहूँगा आपको, ताकि आपको आइडिया एक मिलता रहे। एंड प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, एवरी प्रोसेस को, आप जो भी प्रोसेस आपको बताया था या जो भी प्रोसेस को आप समझते हैं, प्रोसेस को जरूर फॉलो कीजिए। एंड स्पेशली आप फॉलो कीजिए सप्लाई एंड डिमांड को। सप्लाई एंड डिमांड जैसे की एरिया जहां से प्राइस रिवर्स होता है एंड कंटिन्यू होता है। ओके, सप्लाई जैसे प्राइस रिवर्स होता है, ब्रेकआउट एंड कंटिन्यू प्राइस। एंड प्लस बहुत लोग क्वेश्चन ये भी होता है कि सप्लाई एंड डिमांड कैसे, कि आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ से वीक जोन है कहाँ पर स्ट्रॉन्ग जोन है। तो आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड नहीं समझ में आता है तो कैंडल का पावर समझने की कोशिश कीजिए, यानी कैंडल की स्ट्रेंथ समझने के, बॉडी एंड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे बॉडी कैसी होनी चाहिए एंड बिना ब्रेकआउट पे, यानी किसी भी लेवल पे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट अगर होता है तो अगर वो स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट होती है प्राइस क्या रिवर्स होती है, अगर वो वीक कैंडल ब्रेकआउट होती है क्या प्राइस रिवर्स कंटिन्यू होता है। तो उसी एरिया को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज जो हमने प्रॉफिट बुक किया था वो 5,000 का लगभग प्रॉफिट बुक किया था एंड हमने लॉस भी किया है, हालांकि 17,400 के सी कॉल में मैंने लॉस भी किया है। एंड इधर मैंने TCS STS ना कॉफी सब में लॉस किया, बट हमने फाइनली यह ट्रेड को बुक किया। एंड PE को मैंने पुट को बाय किया था, अगेन हमने कॉल को बाय किया था लास्ट मोमेंट पे, मीएम ने बाय किया, तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट को बना लिया था। अब मैं लेबल्स के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लेबल इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर देखिए डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट में आप देखेंगे दिस बायर्स एरिया। मैं सबसे पहले बायर्स एंड सेलर्स एरिया समझ के, दिस इज एरिया बायर्स एरिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज द बायर्स एरिया। ओके, बायर्स एरिया जैसे डिमांड चल रही है, दिस इज बायर्स एरिया, हियर बायर्स एरिया, करेक्ट। एंड बायर्स एरिया हियर कैंडल से ब्रेकआउट एंड अगेन हियर ब्रेकआउट। एंड प्राइस क्या है, हियर क्या है की लेवल्स, प्राइस स्टॉप, प्राइस क्या है की लेवल पे स्टॉप है। तो मे भी कल क्या हो सकता है, प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस रिवर्स हो। ध्यान समझिएगा, प्राइस क्या है स्टॉप हुआ जैसे की लेवल्स एरिया एंड हियर रिवर्सल साइन, हियर डब्लू पैटर्न, हियर रिवर्सल साइन एंड हियर सप्लाई जोन एरिया प्लस हियर डिमांड जोन लेवल एरिया ब्रेकआउट। डिमांड जोन एरिया क्या, हियर फेक ब्रेकआउट एंड हियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज सपोर्ट एरिया एंड सपोर्ट एरिया एंड सपोर्ट एरिया। तो प्राइस हियर सपोर्ट एरिया, दिस इज फेक ब्रेकआउट। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस फेक ब्रेकआउट एंड कैंडल क्लोज लेवल्स, लेवल मींस हियर सप्लाई जोन एरिया लेवल्स। ओके, एंड प्रीवियस 2 डेज हियर ड्रॉप प्राइस, हियर कंटिन्यूअस हियर ड्रॉप प्राइस। बट सेलर्स यहाँ पर क्या है कि सेलर्स हियर इंटरेस्टेड नहीं है, यानी इस लेवल पे सेलर इमिडिएटली इंटर नहीं है। इंटर कब होगा, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एंड प्राइस कुछ इस लेवल तक जाना चाहिए, दिस एरिया। ओके, हियर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल एंड हियर सेलर ड्रॉप, एंड हियर रेजिस्टेंस लेवल एंड हियर सेलर ड्रॉप। ओके, एंड हियर सेलर्स हियर स्टॉप एंड हियर अगेन हियर बायर्स एंटर। क्यों, क्योंकि दिस इज बायर्स एरिया, तो इसका मतलब कि बायर सेलर्स एरिया ये। तो जब भी प्राइस गैप अप ओपन होगा एंड प्राइस टच होने के बाद क्या होगा, रिवर्स होगा। ये इंपॉर्टेंस लेवल है, यानी कहने का मतलब है कि 17,700 का लेवल एंड 17,800 का लेवल, ये है रिवर्सल साइन का, जो कि प्राइस ड्रॉप हो सकता है, यानी सेल पोजीशन आपको मिल सकता है। ओके, अगर गैप अप ओपन होता है तब जाके हम ऐसा कर सकते हैं, 17,800 या 17,700 को हम सेल कर सकते हैं। ओके, यानी हम पुट को बाय कर सकते हैं। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल कि प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, तो प्राइस क्या करेगा, एडवर्ट प्राइस हियर रिटेस्ट अगेन हियर कंटिन्यू, कंटिन्यू को दिस इज द बायर्स एरिया एंड हियर बायर्स एरिया। ओके, एंड प्लस हियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एरिया। ठीक, एंड हियर रेजिस्टेंस एंड हियर रेजिस्टेंस एंड हियर सपोर्ट हियर रेजिस्टेंस, तो हियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एरिया एंड हियर बायर्स एरिया। तो इसका मतलब ये फ्रेंड कि इस सेलर्स एरिया से क्या प्राइस की लेवल पे स्टॉप होता है, जब भी गैप डाउन ओपन होगा तब प्राइस डाउन आने के बाद अगेन रिवर्स होगा एंड प्लस हमारा अगर प्राइस गैप ओपन हुआ तो प्राइस क्या होगा, रिवर्स होगा। तो जब भी आपको ट्रेड करना है एंड रिवर्सल साइन पर ट्रेड कीजिएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूएशन में ट्रेड करेंगे थोड़ा प्रॉफिट कम मिल सकता है, बट अगर प्राइस रिवर्सल अगर होगा तो वहां पर आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। अब मैं यहाँ पर आपको लेबल्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से लेबल्स है जो इंपॉर्टेंट लेवल है।
जैसे 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको सप्लाई जोन एरिया ड्रॉप करता हूँ, दिस इज सप्लाई जोन एरिया, ओके दिस इज सप्लाई जोन एरिया, करेक्ट, दिस इज बायर्स एरिया। तो इसी एरिया हमने बात कर रहे थे 17,680 यानी 17,700 है ना, 17,700 आई थिंक, ओके तो ये 17,700 दिस इज बायर्स एरिया, सॉरी सेलर्स एरिया। तो प्राइस हियर क्या है, कंटिन्यू, ओके हियर गैप अप ओपनिंग एंड प्राइस हियर कंटिन्यू एंड हियर रिवर्स, करेक्ट। तो ऐसा कुछ हो सकता है फ्रेंड, एंड अगेन प्राइस हियर ब्रेक ब्रेकआउट, अगेन हियर रिवर्स, देन कंटिन्यू। अगर प्राइस को फॉर एग्जाम्पल गैप अप ओपनिंग बाद अगर प्राइस क्या हुआ ब्रेक भी करता है तो ब्रेकआउट होने के बाद हियर फाइंड रिवर्सल साइन, प्राइस क्या होगा अगेन हियर ड्रॉप, ओके सप्लाई जोन एरिया हियर ब्रेकआउट एंड प्राइस हियर फेल यानी फेक ब्रेकआउट एंड प्राइस हियर रिवर्सल साइन एंड हियर कंटिन्यू ड्रॉप प्राइस एंड देन उसके बाद यहाँ पर कोई लेवल होगा तो वो प्राइस रिवर्स होगा, अदरवाइज हियर ड्रॉप ही होगा। तो अगर गैप ओपन होता है तो यानी हमको क्या करना है, सेल पोजीशन मिल सकता है एंड रिवर्सल पे हमको ट्रेड करना है। अब फॉर एग्जांपल ये बायर्स एरिया, दिस एरिया दिस इज बायर्स एरिया, ओके बायर्स एरिया दिस इज हियर बायर सेंटर, हियर बायर सेंटर एंड सेलर्स हियर स्टॉप, बायर सेंटर पर सेलर्स हियर स्टॉप, तो यानी दिस इज बायर्स एरिया एंड हियर प्राइस बायर्स हियर स्टॉप एंड गोइंग अप ट्रेंड। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है प्राइस, फॉर एग्जांपल गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर अच्छा खासा अपना यहाँ पर बाय पोजीशन बन सकता है, ओके गैप डाउन होने पर प्राइस करता है ऐसा रिवर्स भी हो सकता है, करेक्ट। तो ये अपना पूरा का पूरा सिनेरियो है यानी 17,200 यानी 17,200 के आसपास यानी 17,300 के आसपास प्राइस क्या होती है, प्राइस रिवर्स होने का चांसेस एरिया है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंस लेवल है कॉल एंड पुट के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। इफ यू इंटरेस्टेड फ्रेंड्स से मेंटरशिप प्रोग्राम तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है फ्रेंड्स, ओके थैंक यू सो मच।